आफ्टर वॉचिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस कि माँ को रोटी दो, मिल्क बैंक की लोड़ नहीं, निकाह वक्त पर करो, स्पर्म बैंक की थोड़ नहीं, तो ये स्टेटस देखने के बाद दिस क्वेश्चन कम्स इन टू माई माइंड कि बच्चे की, बेटे या बेटी की शादी की आइडियल उम्र जो है वो कौन सी है। अकॉर्डिंग टू मी देर आर टू स्कूल ऑफ थाट्स। एक जो है वो अर्ली मैरिज को सपोर्ट करता है, आई थिंक मुझे आप भी उसी की ही नुमाइंदा नज़र आती हैं। एंड द सेकेंड स्कूल ऑफ थाट इज दिस कि जो है आप बच्चे की मेंटल और फाइनेंशियल मेच्योरिटी का वेट करें, उसके बाद उसका निकाह करें। बोथ स्कूल ऑफ थाट जो है उनके अपने कुछ प्रोज एंड कौनस हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमारी इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि कौन सा इस वक्त हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए कौन सा बेस्ट है। थैंक यू सो मच। जो व्हाट्सएप स्टेटस के देखने की बात है, अच्छा है कि दिल की बात दिल तक पहुंचने का एक ज़रिया है। आपने बहुत सारी बातें अपने क्वेश्चन में मेंशन कर दी हैं, तो मैं वन बाय वन इन सब की तरफ आती हूं और आखिर में हम आइडियल एज की बात करेंगे। अच्छा, जो स्पर्म बैंक की बात है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक तो जिनका IVF फेल हो जाता है और बांझपन डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर सेकंड सोर्स से जो कि हराम है कि किसी के स्पर्म से भी बच्चा पैदा कर लिया जाए, तो ये तो क्लियरली जिना है। इसकी संगीनी वाज़े है, मुजीब लानत, वईद जहन्नम और कबीरा गुनाह है। ये तो है ना कि किसी और का नुतफ़ा जब इंजेक्ट कराया जाए, लेकिन अगर अपना ही स्पर्म हो, यानी अपना ही नुतफ़ा फ्रीज करवाएं। अच्छा, इसकी नौबत क्यों आई? वो इसलिए कि जब अर्ली मैरिजेस के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई गई और फिर कैरियर, जॉब और इसी तरह ख्वाबों में रुकावट बना दिया गया, तो प्रॉब्लम ये आया कि एक एज होती है, ख़ासतौर पर अर्ली ही एज, कि जिसमें जब बच्चा पैदा किया जाए तो बच्चे की मेंटालिटी, फिज़िकल हेल्थ और इवन पैदाइश, ये सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं। जितना जितना लेट होता जाएगा, ख़राबियाँ पैदा होती जाएंगी। अब चूँकि ये साइंस और मेडिकल से अप्रूव थी, यानी बाकायदा रिपोर्ट्स में ही आया, तो इसका सलूशन ये दिया गया कि अपने ही स्पर्म को फ्रीज करवा लो, फिर जैसे चाहो, जब तक चाहो, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारो और फिर जब चाहो अपने ही उसी स्पर्म से बच्चा पैदा कर लो। हालांकि इसकी भी जो तबाहकारियां हैं ना, वो आने वाले वक्त में इन्हें खूब मालूम हो जाएंगी, बल्कि हो भी चुकी होंगी, तो शायद छुपाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपकी इस बात से इतफाक़ नहीं करती कि अर्ली मैरिज और इसी तरह मेच्योरिटी मैरिज यानी लेट मैरिज के दोनों के ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। असल में ये दोनों इस्तलाह ही गलत हैं। सवाल तो वक्त पर शादी का होना चाहिए, जैसे आपने आखिर में मेंशन किया कि लेट वाली वक्त पे है या अर्ली वाली वक्त पे है, और इस वक्त की जो एज है ना, ये मैं और आप या कोई और डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये हर इंसान की, इंडिविजुअल की जिस्मानी, नफसी, जिन्सी नीड पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे तीन जवान बेटे हैं, बड़ा बेटा FSC में और वो अपनी एजुकेशन में और एक्टिविटीज़ में फुल मसरूफ़ है, और उसको इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि वक्त पर शादी हो और बच्चे हराम से बच सकें। और फिर दूसरा बेटा वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसमें भी कोई आसार, कोई रमक नहीं है इस शादी की तरफ रुझान। जो तीसरा बेटा है इवन मिडल का, उसमें ये चीज़ मैं देख रही हूँ, नज़र आ रही है। तो बजाय इसके कि मैं उस तरतीब को देखूं कि पहले बड़े बेटे की, फिर दूसरे बेटे की, फिर तीसरे की, जब तक वो अल्लाह ना करे कि किसी गुनाह की तरफ जाए, तो मैंने इवन उसके बाबा को कन्विंस करना शुरू कर दिया, खुद इवन लड़की की तलाश शुरू कर दी कि इसकी शादी पहले करनी चाहिए। और ये हर वालदैन पर, इसी तरह जो वली हैं उन पर, और जो भी मालिकान हैं या जो सरबराह हैं उन सब पर ये जिम्मेदारी आती है। सूरह नूर में है, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح، خواہ وہ مطلب کنوارے ہوں یا بیوہ ہوں یا متعلقہ ہوں، مرد عورتیں، ان کا نکاح کر دو۔ ابھی انکحو، یہ نکاح کر دو کن کو کہا جا رہا ہے؟ پیرنٹس، ولی، اور اسی طرح جو بھی مالکان ہیں، وہ اپنے نوکر چاکروں کی، ماتحتوں کی، یا حکومت عوام کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے آسانی کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا، اور تم نکاح کرو، اس فریضے کی ادائیگی میں ان کی مدد اور ان کے لیے سہولت، ان کا ساتھ دو، نہ کہ رکاوٹ بنو۔ عام طور پر یہ سب کیریئر کے لیے کیا جاتا ہے، پہلے سٹینڈ تو ہو جاؤ۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پہلے وہ کھڑا نہیں ہوتا اپنے قدموں پہ، یا کسی اور کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، تو اس کی ذمہ دار آپ نہیں، اس دنیا میں بھیجنے والا ہے، خالق ہے،
वो तुम्हें भी रिस्क देगा और उन्हें भी रिस्क देगा, तो किस बात की टेंशन। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ض इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, बात ही ख़त्म, ये तुम्हारा कंसर्न ही नहीं है। जहाँ तक रही बात असबाब की, तो वो बच्चे के जिनके पास ना पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, बल्कि बाप होता ही नहीं है, यतीम होते हैं, बेवा माँ है और खाली हाथ, ना अपना घर होता है, छत होती है, ना ही कोई जॉब होती है। माँ ने क्या किया कि किसी भी गरीब बच्ची से, यानी जिनको लेने वाला कोई नहीं होता और इन्हें देने वाला कोई नहीं होता, बेटों का निकाह कर दिया। मेरी इन आँखों ने देखा कि आज वो माशाल्लाह लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तो याद रखें कि देखें, हमारे सक्सेस, कैरियर, फ्यूचर, इन तमाम में जो मेन रोल है, या मैं कहूँ कि 50% रोल है, वो मैरिज का है। ऐसे ही नहीं इसको निसफल ईमान कहा गया, हदीस में है कि फल यत्तकिल्लाह फिन निसफिल बाकी, जिसकी शादी होती है, जो निकाह करता है, तो उसका निसफ ईमान मुकम्मल हो जाता है, उसे चाहिए कि बाकी निसफ की फ़िक्र करे। कोई कैरियर या फ्यूचर में रुकावट नहीं है। और दूसरी बात रही कि एज की, तो अगर पंजाब का कानून देखें तो उसमें आई थिंक 16 ईयर्स है शादी की कम अज़ कम उम्र, और सिंध का देखें तो उसमें 18 ईयर्स है। और अगर हम शरीयत को देखें तो उसमें इवन सजीदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हो गया, और रुख्स थी 9 साल। क्यों? वहाँ का माहौल, आबो हवा, के बच्चे या बच्चियाँ इस उम्र में बालिग हो जाती थीं। तो ये बलूगत और ज़रूरत के साथ है। यानी अब हमारा भी देखें तो इंटरनेट का दौर और जिस तरह की फूड है, बच्चों के हार्मोन तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, और फिर उनका जो ज़हनी लिहाज से या जिनसी लिहाज से, तो वो इवन अपनी जिसामत से भी पहले बालिग हो जाते हैं। तो बहरहाल इवन मैं तो समझती हूँ कि 16 भी ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इससे पहले भी ज़रूरत महसूस करे तो पेरेंट्स जो वली हैं वह उनकी हो, इस पर अमल करें। अल्लाह उन्हें पाँव पे भी खड़ा कर देगा, स्टैंड भी कर देगा, जॉब भी दे देगा, रोज़गार भी, कैरियर भी, फ्यूचर भी, सब। पर अल्लाह का वादा है, इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल यानी गनी होने को, मालदार होने को निकाह के साथ जोड़ा है। और ये तजर्बे और मुशाहदे से भी साबित है। इसी तरफ निकाह का अदम रुझान, ये बहुत संगीन अलार्म है। मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर करने के बाद मैनेजमेंट के साथ मेरी मीटिंग थी, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल के बच्चों को शादी का कितना शौक़ है और वो इन चीज़ों को कितना पसंद करते हैं। फलां देखो, उसने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को कह दिया, कोई अपने भांजे का बता रही थी तो कोई अपने बेटे का। तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, ये गुड साइन है, मतलब अभी बच्चा हलाल की तरफ पाबंद है, वो शुक्र करें कि हराम का नहीं सोच रहा। क्योंकि जो हराम की तरफ सोच रहे होते हैं या मुलव्विस होते हैं, फिर वो निकाह की बात नहीं करते। कितनी ही वो माएँ हैं कि जो अपने बच्चों को कह कह के थक गई हैं कि उम्र निकलती जा रही है, के लिए निकाह कर लो, मगर वो टस से मस नहीं होते। तो इस वक्त अर्ली मैरिज नहीं बल्कि लेट मैरिज बहुत बड़ा मसला है, अगर आप समझ लें। क्योंकि बच्चे मोबाइल से ही और बच्चे दूसरी कई चीज़ों से, क्योंकि हराम मुयसर है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। और वो इवन शादी को पाबंदी, और जो फिर दूसरे लोगों के हाल देख रहे होते हैं और जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा होता है, वो कहते हैं कि कौन ये गले में डाले, तो लिहाजा इसके बगैर ही अच्छे हैं। तो ये संगीन बात है, और शादी ये बेहतरीन बात है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मुझे वो हदीस याद आ रही है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअ, और अलबाअ ये जिनसी ज़रूरत पर ज़्यादा बोला जाता है लुगत में। तो जो तुम में से जिस्मानी जिनसी ताकत रखे, ज़रूरत है उसे, और इसी तरह माली भी, लेकिन ये सानवी है, तो फल ये तसव्वुज, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। अगर ना रख सके तो बड़ा मुजाहिदा है, क्योंकि रोज़े बताए गए हैं कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करे और पाबंदी करे हराम से बचने की। तो उसके लिए है कि फ़ाले ही बिसौम, कि वो रोज़े रखे। मैं तो समझती हूँ कि माओं को अपने बेटों को ख़ास तौर पर रोज़े भी ज़रूर रखवाने चाहिए, फिर वो वीकली मंडे थर्सडे या इसी तरह यामे बीज के रोज़े, और इसके अलावा